यहाँ पे ठंडी ठंडी बियर भी लगी हुई है भाई। रोबजा भी मिलता है इधर, पंजाबी समोसा भी मिलता है भाई। बैंगन लग रहा है भाई, लीची है 500 रुपए किलो। देखिए सिर्फ ट्रॉली नहीं चल रही है, आलसी गुस्सा होगी अब मेरी नहीं। तो भाई हम लोग फिर से ट्रिप पे जा रहे हैं। एक और चीज, कल को भाई शादी भी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि भाई आप सारे अलग हो गए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो कैट चैनल, तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ग्रोसरी बिल्कुल भी नहीं है भाई घर के अंदर। जब से हम लोग सिडनी से आए हैं हमने शॉपिंग करी नहीं, और उससे पहले भी हम लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग करी नहीं थी, ठीक है, इतनी ज्यादा खास कर, क्योंकि हम जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इंडिया में तो हम लोग इतना नहीं सोचते, ठीक है, ज्यादा डिटेल। मम्मी आप ही सोचते हैं कि भाई अगर हम लोग दूर छोड़ के जाएंगे खत्म खराब हो जाएगा, है ना, ऐसे कर करके घर में पनीर रखा तो खराब हो जाएगा, 4 दिन के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ना ग्रोसरी शॉपिंग करी नहीं थी। अब ये सारी चीज तो मम्मी आप सोचते हैं यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, तो हम लोगों के सारी चीज देखनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को डिटेल में चीजें बताऊं, कौन सी चीज यहाँ पे कितने रुपए की, कितने डॉलर्स की है, और कहाँ से लेनी चाहिए। यहाँ पे 3 मोस्टली जनरल स्टोर होते हैं, तो हम बेसिकली करते हैं एल्डी से शॉपिंग, ठीक है, एल्डी ऑल्डी जो जैसे बोलता है वैसे बोलो भाई, एल्डी से हम लोग शॉपिंग करते हैं। वूलवर्थ होता है, कोल्स होता है, ठीक है, मेन जहाँ पे हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, और इंडियन स्टोर होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो भाई एक ना इंपॉर्टेंट बात करनी है, जैसे मैंने कल वीडियो डाली ना कि भाई ऐसे डागर भाई मूव हो गया है ना, ऐसे ऐसे कर करके, तो मेरे को लोग बोल रहे कि तुषार भाई जब से आपकी बंदी आई आप चेंज हो गए, दोस्त चले गए हैं, ये क्या मतलब क्या हो रहा है, समझा दो थोड़ा सा। ऐसे में वैसे इतना ज्यादा कमेंट में पड़ता नहीं, ठीक है, ऐसे ठीक है नेगेटिव टाइप्स, बट मैंने थोड़े बहुत पढ़े तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ इस चीज पे। तो जैसे जब हम लोग नए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, जैसे मैं भी जब आया था 2020 के अंदर, मैं अमित भैया के साथ रह रहा था, है ना, थोड़ा टाइम 2-3 वीक रहा, फिर मैं वहां से मूव आउट हो गया। अब मैं अमित भैया के घर से क्यों मूव हुआ था, क्योंकि मेरी यूनि वहां से थी 2 घंटे ट्रेन के रास्ते, ठीक, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ट्रेन वगैरह लेट होती थी, यूनि छूट जाती थी। तो अब लड़की के आने की वजह से दोस्ती कैसे टूटी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग ना बहुत ज्यादा एक तो सोचते हैं भाई, लोग नीचे कमेंट करते ना, खाली बैठे होते ना फालतू, उल्टा सीधा लिख देते हैं कि भाई लड़की आगे जिंदगी चेंज हो गई, अब ये क्या कर रहे हो, है ना, पहले तो आप मस्ती में घूमता था दोस्तों के साथ, ये वो। जैसे पहले अमित भाई घर पे भी रहा, और उसके बाद में साहिल भाई घर पे रहा, फिर मेरे को मेलबर्न आना पड़ा, ठीक है, मूव होना पड़ा मेरे को यहाँ पे। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे रिश्ते टूट गए सबसे, है ना। अब भाई यहाँ पर ऐसा ही होता है, सब लोगों को अपनी जिंदगी बनानी है, तो सब लोगों को थोड़ा बहुत एक स्टेप आगे लेना ही पड़ता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना, आप लोगों को थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काफी सारी चीजें ना समझ आने लग जाती है। तो कभी इस चीज को नेगेटिव मत सोचना कि भाई रिश्ते खराब हो गए, ठीक है, डागर भाई भी चला गया, ये वो लड़ाइयां हो गई, कुछ नहीं हुआ भाई, सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है, सब चिल है, बस यहाँ पर लोग थोड़े से आकर ना बिजी हो जाते हैं। एक और चीज, कल को भाई शादी भी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि भाई आप सारे अलग हो गए, तुम और वहां नहीं रहते, ये ऐसे थोड़ी कोई पॉइंट होता है भाई, ठीक है। जिंदगी के अंदर जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं, डिसीजन जैसे लेने पड़ते हैं, बट कोई टेंशन की बात नहीं, चिल मारो, ठीक है, कोई इतना ज्यादा नहीं सोचते दिमाग के अंदर। ग्रोसरी शॉपिंग जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी सी कूल सी ऐप दिखाता हूँ, ठीक है, उसका नाम है 3Fit। आप लोगों को कुछ नहीं करना है आपके अंदर, ऐप सिर्फ आप लोगों को डाउनलोड करनी है। दिस ऐप रिकॉर्ड्स योर स्टेप्स, ठीक है, तो मेरे अगर आप देख लो, ठीक है, आज के मेरे 1600 हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अभी बाहर निकला था मैं। तो इस ऐप के अंदर आप जितना चलते हो, ठीक है, पर डे आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, इसके अंदर घड़ी भी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं, अपना फोन जेब में डालो, और जितना आप लोग वॉक करोगे आपको उस हिसाब से इसके अंदर पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स से क्या क्या खरीद सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐप की मार्केट प्लेस के अंदर जाते हैं, तो आपको 199999 का आपको iPhone 14 Pro Max मिल सकता है, जैसे रिबेल हो गया यहाँ पे स्पोर्ट्स का, उसमें सामान मिलता है, तो 2000 अगर आप लोग उस पर पॉइंट खर्च करोगे आपको $20 का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं ऐप के अंदर, जैसे ये एम्पोल का कार्ड है इसके अंदर, ठीक है, आप लोगों को शो होगा स्क्रीन के अंदर, आपको उसके अंदर $10 का वाउचर मिल जाएगा, सिर्फ 999 आपके पॉइंट्स खर्च होंगे तो। और अगर आप लोगों को उबरइट्स का ऐसे कुछ मंगाना है तो $20 का आप लोगों को गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, अगर आप लोग इस पर 2000 पॉइंट्स खर्च करोगे तो। तो 3Fit ऐप ना बड़ी कूल सी है, सिर्फ जेब में आप लोगों का फोन होना चाहिए, वॉक करो, धीरे धीरे पॉइंट्स मिलते रहते हैं। और अगर आप लोगों को इसके अंदर दोस्त ज्वाइन करता है, ठीक है, आप लोग किसी को रेफर करते हो, तो यू विल बी गेटिंग 25 पॉइंट्स ईच, दोनों को मिलेंगे। और अगर 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं उस बंदे के या लड़की के, ठीक है, 3 दिन के अंदर, तो 25 पॉइंट और मिलेंगे। ऐसे कर करके आप लोग इसके अंदर पॉइंट इकट्ठे कर सकते हो। आप लोग ऐप के अंदर बहुत सारे वाउचर्स आ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो मार्केट प्लेस में। बहुत सेक्सी सी ऐप है, बहुत ईजी है, मतलब ज्यादा इसमें कोई स्ट्रेस लेना नहीं, ऐप सिर्फ डाउनलोड करके जेब में रखनी है, डेली आप लोग ऐप चलानी, जिससे आप लोग रिफ्रेश होते रहे स्टेप्स और आप लोगों को पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके चेक करो। अभी हम लोग निकलते हैं ग्रोसरी करने के लिए। तो भाई आपको लग रहा होगा हम लोग फिर से ट्रिप पे जा रहे हैं, नहीं भाई, नीचे लगेज को स्टोर में रखने जा रहे हैं, और ये हाथ में कूड़ा ये डस्टबिन में डालेंगे। बिन शूट, सही सुना आपने, बिन शूट, देखा माना नहीं आपने अभी तक, बिन शूट ही होता है। हेलो हेलो, ये रहा भाई बिन शूट। मेरा हाथ मत दबा देना। कैसी हो? बहुत बढ़िया। तेज बोला करो। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा ना आई कान। अरे हो जा। तो भाई हम लोग फिर से ट्रिप पे जा रहे हैं, यहाँ तक गाड़ी के आगे तक, इसके अंदर डालेंगे लगेज को, पहले गाड़ी पीछे करना था। तो भाई अभी हम लोग
लोग आ गए हैं चीज केक शॉप मेरे को ना, मैं वानी को कल से बोल रहा हूँ मेरे को खाना है भाई चीज केक जो मेरे बर्थडे पे खाया था ना हमने, उसके बाद से मेरे को बर्थडे पे नहीं 400K सब्सक्राइबर्स पे, तब से मेरे को क्रेविंग हो रही है चीज केक खाने की, मुंह पे धूप आ रही है भाई लिटरली। तो अभी हम लोग आए चीज केक शॉप है ना वानी। हेलो वानी, वानी गुस्सा होगी अब, मेरी 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 नहीं, इससे छोटी छोटी लड़ाई होती रहती है। कितना चटक हो गया भाई, क्या हो रहा है? हाँ मेरी इससे छोटी छोटी लड़ाई होती रहती है हम दोनों की, चलता है यार क्या हो रहा है। Give a treat to yourself and you love your loved one. ठीक है वानी। तो भाई फाइनली हमने लिया चीज केक। तो वानी, are you excited to eat it? No, I am excited. एक भी बाइट नहीं लोगी फिर। भाई हम लोग फाइनली ग्रोसरी करने के लिए अर्ली आ गए हैं, पर हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, टॉयलेट रोल तक खत्म है इमरजेंसी के टाइम पे। टिश्यू पेपर से क्या कह रहे हो? देखिए सिर्फ ट्रॉली नहीं चल रही आलसी। चलो भाई कैप्सिकम उठा रहे हैं हम लोग $5.50 की एक किलो, और ये मशरूम $5 के आधा किलो। सारे रेट बताते चलूंगा। 5 किलो की आधा किलो है? हाँ 1 किलो है। 5 किलो की आधा किलो नहीं 1 किलो है, क्या बोल रही हो? भाई अंगूर लगे हुए हैं $6 के 1 किलो, $6.50 के 1 किलो। भाई लीची है ₹500 किलो, लेनी है लीची? लाइची। भाई तरबूज $2.50 का 1 किलो, कितना बड़ा है ये भाई। गवर्नमेंट टमाटो $5.50 गारमेंट पहनते हैं, और यहाँ पे फर्क देखो 5.50 का 1 किलो, और यही आधा किलो, मतलब फर्क था कि नहीं पता नहीं, मेरी मैथ्स भी थोड़ी सी खराब। हाँ तो फर्क है ना, $10 का पर केजी, ये 480 ग्राम का 1 किलो है ना, ले लो ऐसे फर्क होती है भाई यहाँ पे, पता नहीं कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा अंदर, बट हाँ। भाई ये क्या है? और आलू लग रहे हैं, ये रेट देख लो ये है। भाई बैंगन लग रहा है $6.50 का। अदरक भाई ₹200 की 150 ग्राम। प्याज $2.50 के आधा किलो, तो बहुत छोटे। ये ले लो फिर $3 की पूरी। अरे नहीं, नहीं, ये ले लो यार। हाँ सेम ही है ये, आधा किलो इतने के है और वो इतने के है, ये पन्नी का प्राइस है। तो भाई ये दूध का रेट पता नहीं क्या है, पर बाकी दूध का लिखा हुआ लाइट दूध है 2 लीटर का, हाँ $3 का, और ये है 3 लीटर्स का $4.49। ये कहाँ रखूँ मैं? और ये हनी लगा हुआ है यहाँ पे। हनी हाउ आर यू हनी, क्या हो गया? सुसु आ रहा है इसको। भाई दूर से ऐसा लग रहा था कि गंगा जल रखा हुआ है, बट ये ऑजी प्योर स्प्रिंग वाटर है, इस पानी में स्प्रिंग लगा है, तो इसको पी के स्प्रिंग की तरह उछलते हैं गंदा जोक। अरे ये मेरा फेवरेट नंबर 69 सेंट्स का ये प्रोग्राम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये हम पीते हैं, ये है लेमन लाइम बिटर, हम ये भी पी लेते हैं, और नारियल का पानी भी देख लो आप लोग। भाई ये भी मिल रहा है वायलिन $100 का। मानी बेटा क्या लेके आए हो? फ्राइंग पैन का वो ऐसे इन्सर्ट करके रख दो जो नीचे आते नहीं है। अच्छा ठीक है, और क्या लेके आए हो? ब्रश और ये वाला बॉडी वॉश, ये सही है हैंड वॉश वाला। हाँ ठीक है भाई। यहाँ पे फ्रोजन चीजें बड़ी चलती है, ऐसे मटर रखी हुई है अंदर, ये $2 की है, ये कॉर्न्स वगैरह, तो इनकी हेल्थ स्टार रेटिंग अच्छी होती है ना, मैं ले सकते हैं इनको यहाँ पे। अरे यहाँ पे यही मिलती है, यहाँ पे यही लेते हैं, क्योंकि देखो ब्रोकली भी कटी हुई, ये सारी, ये देखो वेजी सारी कटी हुई, लोग ऐसे यूज मत करो ना टिक टिक। नहीं फ्रेश यूज करते हैं, बाकी सब होता है, क्योंकि यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ की सब्जियाँ ऐसे पता नहीं क्या ही बन के आती है, मुझे नहीं पता, 3-4 दिन में फ्रिज में उनमें फंगस लग जाती है, तो इसलिए कैप्सिकम ली थी 3 दिन में खराब हो गई थी। भाई कैप्सिकम पता नहीं क्या हो गया, हमने फ्रिज की ना स्पीड फ्रेश ही लो, जिस दिन बनानी है उसी दिन लेकर आनी पड़ेगी, और वो तो फ्रोजन ही लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं यूज करना, वो पता नहीं हेल्दी है प्रिजर्वेटिव है कि नहीं भाई, पता नहीं, अब हमको तो हम खा ही रहे भाई, ठीक है इस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है, तो वानी आउट है। वानी कह रही है कि मम्मी को सब्जियां दिखनी चाहिए, और फोटो खींच के मम्मी को भेजनी है सब्जियां, ऊपर सारा हटा दिया नीचे की, अब खींच लूं। ये देखो भाई ये थोड़ी सी लाइट ऐसी हो रही कैमरा में, बट पंजाबी समोसा भी मिलते हैं इधर, पंजाबी समोसा भी मिलते हैं $7 के, कितने पीस है भाई इसके अंदर? 6 पैक लिखा है, और पता नहीं कितने पीस। भाई यार तो बहुत सारी ग्रोसरी होगी कसम से, है ना वानी? हम इंडिया में बिग बाजार जाते थे शॉपिंग करने के लिए, हम इतना सोचते थे ये चीज उठाए ये चीज उठाए, तब बोलते पापा ले लो ना, अब जब खुद खरीदते हैं ना तो समझ आती है क्या चीज लेने वाली है और क्या चीज नहीं लेने वाली, फिर भी हमने उल्टी सीधी अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें उठा ली है। तो भाई फाइनली हमारी ग्रोसरी हो गई, और देखो कितनी हुई $208 की, इतनी सारी चीजें आ गई, इतना पूरी ट्रॉली रैक भर गई है ना, भगवान ही ठोकर मार रही है, तो चल नहीं रही, सारे शॉपिंग करके ले जा रहे हैं। तो भाई इतनी सारी ग्रोसरी हो गई आज, ठीक है मैंने आधे के टाइम, ये हमारी आज की सबसे ज्यादा ग्रोसरी, सबसे ज्यादा तो नहीं, जब घर शिफ्ट किया था अलग अलग जगह से ली थी, हाँ पता नहीं चला, तो अभी यहीं से उठा लिया हमने। ये भाई भी लेने आया ग्रोसरी, ये सब तो बहुत टाइम चलेगा। हाँ तो मैं वानी को यही कह रहा था कि हमारी 2 हफ्ते की ग्रोसरी आ गई है, बट हम यही नहीं सोच पा रहे कि रात को क्या बनाए। तो भैया अभी इतना सारा लेने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा और लेना, पीछे टॉयलेट वगैरह भी उठा लिए थे हमने इंडियन ग्रोसरी से, क्या लेना हमको? लेनी मैगी, है मैगी और अरबी और भिंडी जो मैं खाती हूं। ठीक है चलो अरबी और भिंडी, आज भिंडी बनाया रात को, भिंडी खाएगा? हाँ मजा आ जाएंगे, कभी बोल रहा तंदूरी चिकन है, चलो फिर तंदूरी भिंडी खा लेंगे। भाई हम लोग यहाँ पर आ गए, भाई रोबजा भी मिलता है इधर, पहली बहुत टाइम बाद देखा मैंने, रोबजा लेना रोबजा ना, इतना मीठा आइस की जो ला रखी हो वो तो आज तक, हाँ जो चॉकलेट पेल दी हो वो।
ये किसने बनाया वैलेंटाइन वाले चावल, वाह। ये भाई मेरे को लग रहा है महंगा नहीं लग रहा है ये $95 का ये दावत। भाई 5 किलो है ये $100 का। इंडिया में कितने का आता है बताओ कमेंट करके, मेरे को भूल ही गया, मतलब 5,000 रुपए के 5 किलो है। वानी ये क्या नाम है इसका, फुटबॉल लेंटिल। 20 रुपए का एक पैकेट आता है, और यहाँ पे $4 के 2। तो भाई यहाँ पे अचार लगे हुए हैं देख लो, मस्त $3 के। ये मैंगो जिंजर पिकल कौन सा अचार चाहिए तुमको, हरी मिर्च का? ये सब तुम नहीं खाना बेटा, ग्रीन चिली का अचार। भाई यहाँ पे ठंडी ठंडी बियर भी लगी हुई है, और ऊपर 100 पाइपर भी रखी है, $58, पता नहीं कितने की है, देखो जूम करके देख लेना, $58 कुछ की है। और ये भाई जो बिल्कुल ठेका बना रखा है इंडिया वाला, सारा कुछ है यहाँ पे। ग्रोसरी लेके बाहर ही बताना, रहने दो। भाई पूरी सीट भरी हुई है आगे वाली, और पूरी डिक्की भरी हुई है। भाई पन्नी ना फट जाए ऐसा लग रहा है। ओए मेरा पैर लगा गरम गरम साइलेंसर पे। तो भाई सारी ग्रोसरी फ्रिज में जचा रहे हैं हम लोग, की टॉयलेट पेपर को अंदर नहीं डालेंगे, ठंडे ठंडे डूबे लगेंगे, मजा नहीं आएगा। तो सारी ग्रोसरीज हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, और बहुत ज्यादा थकावट होगी, कल मैं लेग्स करी ना, सारी मेरे डूबे पे दर्द हो रहा है, मतलब ग्लूट्स वाली एरिया में पूरा दर्द हो रहा है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था भाई। और हम लोगों को मेन चाहिए था चिकन तंदूरी मसाला, वो मिला ही नहीं है ना वानी। हाँ भाई। बहुत सारी ग्रोसरी थी, सारी हमने समेट दी भाई, पूरा फ्रिज भर गया। ये देखो मस्त पूरा मजे आ गए। हाँ पैंट्री भी भर दी। तो भाई फाइनली हम लोग इस वीडियो को यहीं पेंट करेंगे, अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजार चाहिए सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न बॉय फ्रॉम इंडिया, प्लीज। अब वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो चैनल, आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं